उसमें हमारा टेंट काफ़ी बार उखड़ गया है, हमारे साथियों के काफ़ी चोटें भी आई हैं, कुछ व्यक्तियों का अटैक आया है। और बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के तीन तीन मंत्री महोदय जो अपने वादों से हम लोगों को छलते हैं, भी आमरण अनशन के पाँचवे दिन मंत्री महोदय हमारे मंच पे आकर हमें विश्वास दिलाते हैं। आज 55वें दिन भी हमारे मंत्रालय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से कोई संवेदना नहीं दिख रही है। हमने अब निर्णय लिया है, हम कल से पुनः आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं और उसके बाद हम मंत्री महोदय का घेराव करेंगे, सीएमओं का घेराव करेंगे और अब हम हमारी वाजिब और न्यायचित मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं है। तो अपने अधिकारियों को डिसीजन निर्देश दे दे, वो 5 मिनट में सॉल्व। सर, स्थानीय राज्य मंत्रालय कर्मचारियों को आज 55 दिन हो गए। सर, आप लोगों का सामूहिक अवकाश लिए हुए, मतलब 7 दिन पहले आप लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया, 48 दिन से आप लोग महापड़ाव में बैठे हुए हैं, अभी तक आपके लोगों की मांगे नहीं मानी गई, तो आप लोगों क्या आगे की रणनीति है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही तो क्या आप लोगों की आगे रणनीति है? देखिए, आज हमें सामूहिक अवकाश लिए 55 दिन हो गए और सिपरापत महापड़ाव में हमें 47 दिन हो गए। हम लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हम ये आंदोलन चला रहे हैं। इसमें अभी तक हमारे 5 साथियों की शहादत भी हो चुकी है और जो ये मौसम ने हमारे साथ जो किया है उसमें हमारा टेंट काफ़ी बार उखड़ गया है, हमारे साथियों के काफ़ी चोटें भी आई हैं, कुछ व्यक्तियों का अटैक आया है, जो व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल में उपचारार्थ हैं। और 2013 से लेकर आज तक मंत्रालय कर्मचारी आंदोलनरत है, संघर्षरत है, लेकिन इस राजस्थान की सरकार ने, पहली वाली सरकार ने, आज की सरकार ने मंत्रालय कर्मचारियों की जो वेतन विसंगति चल रही है उसको दूर नहीं किया है और इसी को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है। अभी हमारे जो समकक्ष कैडर है, ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, इनको सरकार ने क्या है कि ग्रेड पे 2400 उनका स्टार्टिंग है और सेकंड पदोन्नति का जो पद है उनका उसका ग्रेड पे 3600 कर रखा है, जबकि हमारे मंत्रालय कर्मचारी का कनिष्ठ सहायक का 2400 से स्टार्ट होता है और सेकंड जो पदोन्नति का पद है वो हमारा 2800 का है। हमने सरकार से ये कहा है कि आप हमारा भी 2800 का जो ये बीच में जो ग्रेड पे आपने दे रखा है इसको विलोपित कर दो और हमें 2400 से 3600 पे पहुंचाओ हमारे यूटीसी को। 55 दिन हो गए कि आगे की रणनीति आप लोग क्या अपनाना चाहते हैं? लगातार 55 दिनों से हमने गांधीवादी तरीके से अपना रक्तदान भी किया, हम 5 दिन तक बिना अन्न खाए आमरण अनशन भी किया, लेकिन संवेदनशील सरकार ने हम कर्मचारियों के लिए अपनी संवेदना को नहीं जताई है। और बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के तीन तीन मंत्री महोदय जो अपने वादों से हम लोगों को छलते हैं, हमें आश्वासन देते हैं। हमने ध्यान आकर्षण रैली की, तब हमें एक मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, हमने उन पर भरोसा किया, विश्वास किया, पुनः जब हमारी मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया गया, हमने 10 तारीख से सामूहिक अवकाश पर लेते हुए 17 तारीख से महापड़ाव जयपुर में सिपरापत पे शुरू किया, तब भी हमें लगातार आश्वासन। और अभी आमरण अनशन के पाँचवें दिन मंत्री महोदय हमारे मंच पे आकर हमें विश्वास दिलाते हैं कि आप ये आमरण अनशन मेरी बात पे तोड़िए, हमें 3 दिनों में आपकी वार्ता कराता हूँ, और आज उस बात को 10 दिन हो गए। बड़े दुख की बात है, एक मंत्री महोदय और जो हमारे ही मंत्रालयिक वर्ग में कभी कर्मचारी रहे हैं और हमें उन पर पूर्ण आश्वस्त और विश्वास था, उन्होंने अभी हमें विश्वास दिलाया कि नहीं आपकी वार्ताएं चल रही है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज 55वें दिन भी हमारे मंत्रालय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से कोई संवेदना नहीं दिख रही है। हमने अब निर्णय लिया है, हम कल से पुनः आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं और उसके बाद हम मंत्री महोदय का घेराव करेंगे, सीएमओं का घेराव करेंगे और अब हम हमारी वाजिब और न्यायचित मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार 55 दिनों में हमने भयंकर आंधी तूफान 45 डिग्री टेम्परेचर में रहते हुए भी हमारे मंत्रालय कर्मचारियों का हौसला पस्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा 30 सालों की पीड़ा है, कोई ये आज की नहीं है। और मुझे दुख होता है कि 1 लाख मंत्रालय कर्मचारियों की तरफ सरकार अपना ध्यान नहीं दे रही है, जिनके राहत कैंप की स्थिति देखिए आप,
सरकार को सब पता है। सरकार मतलब जब आप बता रहे मंत्री महोदय आए और आश्वासन दिया कि 3 दिन में हो जाएगा, उन बातों को 10 दिन करीब हो चुकी हैं, आगे आप लोगों ने वार्ता की मंत्री महोदय से कि आपने 3 दिन का नाम लिया था, आमरण अनशन भी आपने तुड़वाया है? और सर लगातार वो वार्ता पे यही कहते हैं, आपको हमें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आप उठ जाओ, तो हम किस आधार पे उठें आप खुद सोचें सर। 55 दिनों से हमने हमारे कार्यालयों को स्कूलों को छोड़ के बैठे हैं, हमने 2 माह से वेतन नहीं लिया, बड़ा दुख होता है। और एक खाली उनके कहने पे कैसे, या तो वो लिखित समझौता करें, हमारे जो वित्तीय मांगे हैं उस पर कुछ अपनी तरफ से बताएं कि हमें वो ये देना चाहते हैं, ये तो बताएं कि वो हमें देना क्या चाहते हैं। वो वार्ता इस तरह से करी नहीं है उन्होंने। वार्ता में क्या समस्या आ रही कि आपकी और सरकार के बीच में वार्ता बन नहीं पा रही? क्या इतने दिन हो गए, 55 दिन हो गए, क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं मेन तौर पर ये आ रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सही तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी मांगें हैं वो डेलीगेशन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध करूँगा कि वो एक हमारे बार किसी डेलीगेशन से हमारे जो है डेलीगेशन से सीधी वार्ता करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और एक रूप 5 मिनट 10 मिनट भी समय निकाल के हमसे वार्ता कर ले, और जो वार्ता पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय डिसीजन कर दे वो हमें मंजूर है, चाहे वो हमें बिना देखे ही हमें कह दे कि हम चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जो मुखिया है वो घर का मुखिया ही झगड़े को सुलटाता है, तो अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पता है कि ये सुलटारा मुझसे ही होगा, क्योंकि वो हर बार जब भी कहीं जिले में हम जाते हैं हमारे साथ ही ज्ञापन देने के लिए, तो उन्होंने बाड़मेर में भी यही कहा है कि आप मुझ पे छोड़ दो, तो हमने उन पे छोड़ रखा है। वो आप यहाँ आ जाए या हमें वो बुला ले और हमारी जो मांग पत्र पर चर्चा कर ले, और वो जो अपने अधिकारियों को डिसीजन निर्देश दे दे वो 5 मिनट में सॉल्व। आप कह रहे हैं बाड़मेर में मिले उन्होंने कहा हम पे छोड़ दो, तो फिर क्या समस्या आ रही है कि सीएम साहब और आपके बीच में वार्ता बन नहीं पा रही? सीएम साहब और हमारे के बीच में जो डेलीगेशन के बीच में वार्ता कराने वाले अधिकारी हैं या जो भी सचिवालय में बैठते हैं इस डेलीगेशन को वार्ता करने वाले हैं, या तो उन्होंने उसको हमारी समस्या को पूर्ण रूप से डेलीगेशन से ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं, या सीएम साहब के तक हमारी मुख्य बात जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। मैं तो यही मानता हूं कि यही है कि भी हमारी बात सीएम साहब तक हृदय तक नहीं पहुँच पाई है, इसीलिए 2013 में भी वो हमारे मंच पर आए थे, उन्हें पता है कि हमारी जो है बात है ये, इसीलिए हम ये जो समस्या उलझी हुई है, हो सकता है कि सीएम साहब को ये बात समझ में आ जाए और जल्दी ये समस्या का सॉल्व आउट हो जाए। राज्य मंत्रालय कर्मचारियों को 55 दिन हो चुके हैं, जिसमें से 48 दिन यहाँ महापड़ाव में हो गए। इतनी आंधी आई, बारिश आई, 45 डिग्री की गर्मी भी झेली, लेकिन आज भी इनका जोश उसी अंदाज में है। आज भी ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे उसके लिए 6 महीने इंतज़ार करना पड़े या पूरी साल निकल जाए, लेकिन जब तक हमारी मांगें नहीं मानेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद।